धर्मनगर वृंदावन में प्राचीन सप्त देवालयों में से एक ठाकुर राधा रमण मंदिर में बुधवार को ठाकुर राधा रमण महाराज का प्राकट उत्सव श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया, लेकिन कोरोना महामारी के कारण लागू कोरोना कर्फ्यू के चलते श्रद्धालु भक्त ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सके। मंदिर में केवल सेवारत गोस्वामियों ने कोरोना महामारी के तहत जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया। सेवारत गोस्वामी द्वारा प्राचीन परंपरा के अनुसार विधि विधान से वेद मंत्र उच्चारण के साथ यमुना जल दूध दही घी शहद बूरा एवं जड़ी बूटियों से ठाकुर जी का महाअभिषेक किया गया। इसके पश्चात ठाकुर जी का श्रृंगार कर महा आरती भी की गई। जी महाराज जी बताएं आज क्या उत्सव मनाया जा रहा है। भैया आज श्री राधा रमण जी का प्राकट्य उत्सव है, दिवस है, आज जन्म पूर्णिमा का अवसर है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक हुआ है, परंतु इस बार कोविड की महामारी को देखते हुए थोड़ा सूक्ष्म रूप में ही पिछले वर्ष की तरह इस बार संपादित हुए हैं सारी समस्त जितनी भी क्रियाएं हैं या अभिषेक हैं, परंतु सारे जितने भी हमारे अभिषेक के बाद अभी श्रृंगार होकर आरती वगैरह सारी संपादित होंगी, पंचामृत वितरण होगा, परंतु सूक्ष्म रूप में जितना भी उत्सव है बहुत छोटे रूप में प्रस्तुत हुआ है। कौन सी वहाँ प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है और किस किस तरह से ये अभिषेक किया जा रहा है? तो पंचगव्य जितना भी होता है या पुरानी रीति के अनुसार जो हमारे बड़े आचार्य हैं गोस्वामीगण हैं वही इसे पूरे उत्सव को संपादित करते हैं, उन्हीं के निरीक्षण में ये सारा उत्सव संपादित किया जाता है समस्त गोस्वामीगण। इस बार तो कुछ कम संख्या में क्रम रूप में आए हैं, परंतु प्रतिवर्ष तो सभी गोस्वामी एक साथ इकट्ठे एकत्रित होकर अभिषेक संपादित करते हैं। 489वां इस बार हमारा प्राकृतिक उत्सव है श्री राधा रमण देव का। लगभग कितनी देर तक चलता है भैया? इस बार क्योंकि दर्शनार्थी कम हैं, इस बार पंचामृत की वो भी क्वांटिटी भी कम थी, तो आज तो 2 घंटे में ही संपन्न हो गया, वरना करीब 8 बजे से 11-12 बजे तक अभिषेक चार घंटे करीब होता है।